हम आ गए अपने घर। गाइस आई एम बैक और आप सब कहते रहते हैं कि होम टूर कराएं, अपने घर का होम टूर कराएं, तो मैं आज यहाँ का अपने घर का होम टूर कराऊंगी आप सबको। मैं आपको ना इसकी बैक स्टोरी सुनाती हूँ। अपने पास्ट में जाके हमारी मैरिज हो गई थी और हमेशा ये कहा करते थे कि यार मेरा एक सपना है कि गांव में एक अपना एक जमीन से घर बनाना है मम्मी पापा के लिए, बड़ा घर बनाना है ये भी। और लेकिन जब काम शुरू किया था तब नहीं बना पाए थे क्योंकि सरकमस्टेंसेस भी थे और पैसे भी चाहिए होते हैं, ये भी बात है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो जब हमारी मैरिज होगी उसके बाद ही हमने प्लॉट भी देखा, फिर एक एक करके हर एक चीज खुद खड़े होके बनाई। हाँ बना बनाया था लेकिन उसमें थोड़ा टेम्पररी था और उसको पूरा तुड़वा के बनवाया और एक एक चीज खड़े होके बनवाई है और हमारे बिट्टू ने बनवाई है ये देखो। और हमने खुद इसका इंजीनियरिंग करके नक्शा बनाया है तीनों ने बैठ के, और पापा ने सब कुछ देखा, बिट्टू ने और मम्मी ने, हम सब ने अपना अपना दिमाग लगा के ये घर इतना आलीशान तैयार करा है। अब मैं आपको इसका होम टूर कराऊंगी, इसलिए हमारी जो इसके साथ अटैचमेंट थी मैंने वो शेयर करी आप। देखो अब आपको ले चलते हैं घर। ये घुसते ही जैसे बरामदा होता है ताकि सब लोग जो भी बाहर से आए एकदम बैठ सके यहाँ पर। और ये रूम एंट्रेंस है, यहाँ तो मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले गार्डन दिखाती हूँ। और देखो यहाँ विराज के साथ खेल रहे हैं इसके पापा, और इधर से पूरा धूप मिल रही है बहुत अच्छी। देखो हमें आज हमें पार्क जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अपने घर में ही धूप ले पा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल यहाँ से सीधा धूप आती है, ऊपर से ओपन है, इस तरह का व्यू है इसका। और यहाँ पर हमारा गार्ड बैठा है गोलू, वो सब पे नजर रखता है कि कौन यहाँ है, कौन यहाँ आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। इसकी नजरों से कोई बच नहीं सकता। हाँ ये बैठक वैसे तो मैं अपने दादाजी के लिए बनाना चाहता था श्री मलखान सिंह, पर वो 2016 में ही चले गए हमको छोड़ के, कुछ देख नहीं पाए। ये हमारे गांव में छोटे शहरों में ऐसा ही होता है कि हम घर की जो है बाहर जो पहला बैठक बड़े बूढ़े के लिए, हाँ इसमें बड़े बूढ़े बैठ के अपने गपशप करते हैं, ताश वाश खेलते हैं। तो ये कमरा जो है आज भी मेरे दादाजी के लिए ही है, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पिताजी अपने दोस्तों के साथ, उनकी एक पूरी चौकड़ी है वो बैठ के यहाँ पे, उनका भगवान की तरफ थोड़ा ध्यान ज्यादा है तो वो डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं भगवान पे, ज्ञान चर्चा इसी रूम में बैठ के। फिलहाल ये कमरा मेरे पिताजी यूज कर रहे हैं देखो। और यहाँ से पता है इसमें गार्डन भी दिखाई देता है, अगर आप ऐसे विंडो ओपन करें तो गार्डन है जिसमें यहाँ पर अभी विराज आराम से लेटा था, आपको दिखाया ही था, तो काफी अच्छा वेंटिलेशन है यहाँ का। चलो अब नेक्स्ट रूम दिखाती हूँ आपको, ये तो फर्स्ट रूम था हमारे घर का। और देखो गोलू फिर से हमें सीसीटीवी की तरह। ये हॉल है मुझे भी मजा आता है इन पे बैठने में। और ये मम्मा ने यहाँ पर मंदिर की स्थापना करी हुई है, हमने जब घर प्रवेश करने से पहले मंदिर की पूजा भी करवाई थी और जागरण भी करवाया था हमने, माता का जगराता भी करवाया था। और ये हमारे अम्मा बाबा जी, ये दादा दादी की जो है तस्वीर है, ये अपने म्यूजिक सिस्टम भी लगा रखा हुआ है यहाँ पे, सोनी का स्पीकर, ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है बजाने के लिए, क्योंकि बिना म्यूजिक के तो हमारे घर में काम ही नहीं होता।
और ये तो है भाई, मतलब ये मंगा लिया मैंने कई महीने पहले, लेकिन तसल्ली से आज बैठा हुआ है क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता भाई। हाँ बहुत कंफर्टेबल है ये, लेकिन वो इधर से भी एक बैक एग्जिट गेट है, इधर से गैलरी है, ये वॉशरूम है, हाँ अभी लगा रखा है, यहाँ से खेत में निकलते हैं सीधा। और रूम्स दिखाते हैं, ये हमारे मम्मी पापा का रूम देखो, है ना। और इधर से व्यू, व्यू भी आपको दिखाती हूँ, कितना अच्छा व्यू है इधर से सामने पूरा खेतों का, और हमारी गाड़ी भी है और खेतों का व्यू। किचन ऊपर है और हमारा रूम भी ऊपर है और मेरे देवर का रूम भी ऊपर है, तो अब आपको दिखाती हूँ मैं। ये यहाँ एंट्रेंस के बाद सीधा हॉल है, एक ये हमारा सोफा और यहाँ बैठ के हम सब टीवी देखते हैं, और उधर किचन है, आपको किचन है, यहाँ लेडीज लोगों की गपशप चल रही है, किचन में ही हमने इसमें सोफा लगा दिया कि खूब गपशप करें बैठ के मम्मी सबके साथ। ये देखो किचन, देखो मस्त आटा गूंथा हुआ मम्मी ने, और ये सब्जी बनी है। आज क्या बना है मम्मी? दाल, तो दाल दाल चावल रोटी। और ये विराज सो रहा है, मकान की वीडियो खेल रहा है, मुंह चल रहा है इसका। डाइनिंग हॉल, किचन से सटा हुआ है जस्ट। डाइनिंग हॉल दिखा, ये हमारा डाइनिंग हॉल है, लाइट्स ऑन कर दो। हाँ यहाँ पर पूरी फैमिली एक साथ हमारी खाना खाती है, छोटी सी फैमिली, पापा मम्मी हम सारे आराम से आ जाते हैं। देखो यार क्या बढ़िया व्यू है, और पूरी लाइट ना भी हो तो भी पूरी वेंटिलेशन इतना अच्छा है कि लाइट की कोई कमी नहीं लगती। और खाकर यहीं पे ही पापा जी यहीं पे ही लेट जाते हैं खाकर आराम से, सिंहासन पापा अपने सिंहासन पे महाराज जी। हाँ ये वाला गेट जो है इसी हॉल से कनेक्ट करके हमने बालकनी का रखा है, ताकि खाकर अपना आराम से टहल सकें। और यहाँ बालकनी से नीचे आपको गार्डन दिखाई देगा हमारा। हाँ ये देखो यहाँ से थोड़ा दिखाई दे रहा है गार्डन, और वैसे यहाँ से बाहर का लुक भी है। मैं आपको बालकनी में दिखाऊँ तो हमने इस हमारे हाउस के ऑल साइड्स पे बालकनी को रखा है, ताकि चारों तरफ से कहीं से भी व्यू ले सके। देखो दूर दूर तक खेती खेत है। देखो ऐसी मैंने बताया जैसे पूरी तरफ से इसकी पेरीफेरी पर है हमारी बालकनी, देखो चारों तरफ ऐसे ही आगे जाते रहते हैं। और इस बालकनी का एक गेट यहाँ किचन में भी है, ताकि किचन का कुछ भी एग्जॉस्ट हमने ये सोच के बनाया कि यहाँ पर ना हो और बाहर चला जाए, और मम्मी भी देख पाती हैं कहाँ हैं बच्चे नीचे से। देखो भैंस भी पाल रखी है, विधायक जी का फार्म हाउस है, और ये देखो क्या मस्त मस्त चमकती हुई भैंसे, पूरा रोज इसे घिस घिस कर उनको नहलाते हैं मैंने देखा है, और यहीं से दूध भी ले लेते हैं हम। आपको अब मैं क्या दिखाऊंगी, हमारा रूम, लेट्स गो। और ये है हमारा रूम, इसमें हीटर लगा रखा है विराज की वजह से। हाँ हीटर लगा रखा है, प्योरीफायर लगा रखा है, थोड़ी ज्यादा है, एक तो कॉर्नर का मकान है, थोड़ा बड़ा भी है, ठंड थोड़ी नहीं, ठंड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। देखो ये मैंने अपने काम करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए यहाँ पर ये चेयर है, चेयर और लैपटॉप अभी मैंने काम करके एडिट करके रखा है।
हमारे देवर का रूम दिखाते हैं जिनका नाम है बिट्टू। हाँ वैसे धर्मेंद्र सिंह है पर प्यार से हम बिट्टू बुलाते हैं। ये उसका रूम है, वो भी अपना काम करता है लैपटॉप पे, से उसकी भी एडिटिंग का एरिया है ये। और इधर तो वॉशरूम है, वॉशरूम सभी में अटैच है, वॉशरूम मैंने नहीं दिखाए। इस वाले अलमारी में भी आधा टेक्निकल सामान भरा हुआ है। हाँ। स्टूडियो की तरह नहीं पर भी बहुत सारा सामान टेक्निकली भरा है सच में। और ऊपर लेके चलते हैं अब छत पे। छत पे हाँ छोटा। देखो फैमिली साथ में रह पाए एक घर में, इससे बेस्ट तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। इससे ज्यादा मैनेज नहीं कर सकती, मैं पावर ही नहीं है हमारे पास अपने भी। हाँ सफाई का भी काम, सफाई का भी काम होता है क्योंकि यहाँ छत है। पर उससे पहले यहाँ पर एक रूम है जो कि हमने गोलू के लिए रखा है। गोलू यहीं पर रहता है, अपना खेलता रहता है। और स्टोर रूम भी है, जैसे चारपाई वगैरह सभी से रख देते हैं, जब भी कोई आए तो यहाँ से भाग के नीचे ले आते हैं। अब छत पे लेके चलती हूँ मैं आपको। देखो भाई ये हमारी छत, बढ़िया एकदम। अब देखो यहाँ से आपको आधा शाना तो दिख ही जाएगा मुझे लग रहा है। नहीं यहाँ से नहीं, अभी और ऊपर भी है, देखो वहां से दिखाऊंगी आपको टॉप व्यू से। यहाँ से तो अभी फिर भी थोड़ा कम दिख रहा है। देखो उसमें सामने दो कुत्ते हैं, दो इतने भयंकर कुत्ते पाल रखे हैं कि अगर कोई अनजान आदमी आ जाए ना, इनको जूम करके दिखाऊंगी तो उसको फाड़ के रख देंगे। देखो आपको दिख रहे हैं ना कुत्ते यहाँ। और जब गोलू आता है ना तो एक घंटे तक इन दोनों में कुत्तों में बड़ी बहस होती है। खूब गोलू यहाँ से भौंकता है, हमारे यहाँ से वो वहाँ से भौंकते हैं, यहाँ से वहाँ से इनकी लड़ाई चलती रहती है सारा दिन। और यहाँ से नीचे ऐसे देखोगे तो सबसे टॉप व्यू दिखाते हैं हमारे व्यूअर्स को। देखो यार अच्छा लग रहा है आपको होम, तो कमेंट करें कैसा लग रहा है, किस तरह की चीजें आपके घर में भी है, कुछ फैमिलियर साउंड हो रहा है नहीं हो रहा। और देखो हम आ गए अब सबसे ऊपर, ये तो हमारी टंकी। और यहाँ से हम तुमको दिखाएंगे भैंसिया, चार चार भैंसिया। देखो भाई कैसे आराम फरमा रही है ये मस्त। और यहाँ से ये पूरा हमारा शहर है शियाना, ये पूरा इनका छोटा सा टाउन, इनका टाउन शियाना इधर पूरा, और हमारे घर के बाहर पूरा बाग, अमरूद के बाग, आम और अमरूद के बाग दूर दूर, दूर दूर तक। और जब हमने ये घर लिया था ना तो हमने सोचा नहीं था ना कि ये इतना बढ़िया बना के और ऐसा व्यू मिलेगा हमें यहाँ से, लेकिन अब मिल रहा है। तो हमारा घर बिल्कुल एक तरह से समझ लो बाउंड्री आखिरी, इधर शहर और उधर बाग के बीच में। तो हमें सब तरह का एक अच्छी फीलिंग आती है यहाँ पर आने में, बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है माइंड। और वीकेंड पे हमें आना ही होता है हर बार।